पेश है लंच टाइम बुलेटिन। आज राज्यसभा में 3 तलाक बिल पेश करेगी केंद्र सरकार। सदन में बिल पेश होने से पहले पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक। अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेटली भी मौजूद। सिख विरोधी दंगों से संबंधित एक मामले में उम्र कैद की सजा पाने वाले कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार आज कड़कड़डूमा कोर्ट में करेंगे सरेंडर। तिहाड़ जेल के जेल नंबर 2 में रखे जा सकते हैं सज्जन कुमार। सिख कैदियों से भी रखे जाएंगे दूर। एलओसी पर भारत ने मार गिराए 2 घुसपैठिए। नए साल पर हमले की तैयारी में थी पाक की बैट टीम। भारतीय सेना की पोस्ट पर भी हमला करने की थी साजिश। लाजपत नगर से मयूर विहार पॉकेट 1 के बीच आज से पिंक लाइन मेट्रो सेवा शुरू। नए साल के स्वागत के लिए दिल्ली एनसीआर तैयार। आज रात 8:30 बजे के बाद कनॉट प्लेस में प्रवेश बंद। पुलिस ने किए पुख्ता इंतजाम। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई। बद से बदतर हुई राजधानी की हवा। मौसम साफ लेकिन सांस लेना हुआ दूभर। पिछले कई दिनों से बहुत खराब और गंभीर श्रेणी के बीच बनी हुई है दिल्ली की हवा। साल के आखिरी दिन शेयर बाजार की अच्छी शुरुआत। सेंसेक्स करीब 160 अंक की बढ़त और निफ्टी 50 अंक की बढ़त के साथ खुला, तो वही रुपया 14 पैसे की बढ़त के साथ खुला। चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनेंगी शेख हसीना। विपक्ष को मिली सिर्फ 7 सीटें। नतीजों को खारिज करते हुए विपक्षी गठबंधन ने किए नए सिरे से चुनाव कराने की मांग। बिग बॉस 12 की विनर बनी दीपिका कक्कड़ इब्राहिम। सीरियल ससुराल सिमर से मशहूर हुई थी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़। HS न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।